कोई भी देश, प्रदेश या समाज कब विकसित या समृद्ध कहलाता है? तब जब वहां की सड़कें दुरुस्त हो, शिक्षा व्यवस्था उन्नत हो और चिकित्सा सुविधा ऐसी हो कि उसके लिए लोगों को हाथापाई ना करनी पड़े। लेकिन सिर्फ बिजली, पानी और पक्की सड़कें ही विकसित समाज का उदाहरण नहीं है। एक समाज तभी विकसित कहलाता है जब वहाँ नारी सशक्तिकरण के नाम पे खाना पूर्ति ना की जा रही हो, बेरोजगारी ना हो, पलायन ना हो। और खूंटी जिले में कौशल विकास के द्वारा एक ऐसा ही कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं वहाँ की विकास यात्रा। किसी भी देश, राज्य, क्षेत्र, कस्बा अथवा गांव की समृद्धि के लिए पहली और जरूरी शर्त है सभी का आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त होना। सशक्तिकरण के लिए बुनियादी शिक्षा, आजीविका की उपलब्धता और समेकित विकास के लिए पर्याप्त अवसरों का होना बेहद जरूरी है। हालांकि इस दिशा में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं दशकों से लगातार प्रयास कर रही हैं। झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य के सुदूर गांवों में कौशल विकास, रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण का पर्याप्त माहौल बन रहा है। मानवीय श्रम शक्ति को सकारात्मक दिशा और कौशल को उद्यमिता से जोड़ने में लीड्स यानी लाइफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सपोर्ट परिवर्तन का पदचिन्ह तैयार कर रहा है। खूंटी जिला के मुरहू क्षेत्र में कृषि से विमुख होते किसानों, रोजगार के लिए पलायन करने वाले युवाओं और बंधनों में जकड़ी महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और मानसिक उन्नयन में लीड संस्था सक्रिय भागीदारी निभा रहा है। हम लोगों ने लीड्स की शुरुआत की थी 2005 ईस्वी में, जिसमें जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस के 5 प्रोफेशनल मिलके इसकी स्थापना किए थे हम लोग। और मूलतः इसका लक्ष्य जो ये था कि एक ऐसी संस्था का निर्माण हो जिसके तहत लोगों को, खास करके ऐसे लोगों जो वंचित हैं सुविधाओं से और साथ साथ में ग्रामीण क्षेत्र में मूलतः आदिवासी वर्ग और पिछड़े वर्ग, ऐसे लोगों के बीच में काम करना। और लीड्स का ये मानना है कि लोगों में असीम संभावनाएं हैं, बस उनके अंदर जो छिपी प्रतिभा है, छिपे गुण हैं, उसको बाहर निकालना और उनके गुणों को निखारते हुए, उनको स्किल करते हुए, प्रशिक्षण देते हुए उनको आगे बढ़ाना, उनको नया दिशा दिखाना। तो उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोगों ने ये सेंटर की स्थापना किया। गरीबी, बेरोजगारी और पलायन ने इस क्षेत्र में विकराल रूप ले लिया था। हाशिए पर मौजूद लोगों में शिक्षा और कौशल की कमी उनके विकास की राह में शुरू से ही बड़ी बाधा बनी रही थी। इसके परिणाम स्वरूप उनके पास काम और जिम्मेवारियों को पूरा करने में आत्मविश्वास की कमी झलकती थी। उद्यमिता को लेकर प्रेरणा और प्रशिक्षण के साथ कौशल विकास के जरिए इन कमियों को दूर किया जा सकता है। इसी उद्देश्य के साथ लीड्स तकरीबन 2 दशकों से राज्य के ग्रामीण, खासकर अनुसूचित जनजाति और पिछड़े तबके के युवाओं, महिलाओं और कृषकों के लिए आत्मनिर्भरता की जमीन तैयार करके हजारों ग्रामीणों को एक नई बुलंदी और नई पहचान देकर आत्मनिर्भर बना रहा है। लीड्स का मानना है कि जिस तरह से ये सेंटर विकसित हुआ है और तकनीकी जानकारी, तकनीकी शिक्षा लोगों को दी जा रही है, तो इसको और भी आगे बढ़ाएंगे। जैसे क्लीन एनर्जी का जो पार्ट है, स्वच्छ ऊर्जा का जो पार्ट है, इसको पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा पार्क के रूप में इसको विकसित करना है। और भी स्किल जो गांव में होते हैं, जैसे हर्बल मेडिसिन का एक बड़ा स्कोप है इस क्षेत्र में, प्लांटेशन का एक बड़ा स्कोप है क्षेत्र में, तो इसका एक यूनिट के रूप में या फिर डेमोस्ट्रेशन के रूप में गांव में सब सेंटर के रूप में विकसित करना है, ताकि यहां से जो थ्योरी का क्लास लेके और जो टेक्निकल चीज़ों को जान के अपना डेमो के हिसाब से गांव में जो इसी का एक रूप होगा, तो वहां पूरी तरह से अच्छे तरह से सीख पाएंगे। खूंटी जिला का आदिवासी बहुल पेरका प्रखंड एक ऐसा उपेक्षित क्षेत्र है जहां एक समय खेती किसानी से जुड़े लोगों में हताशा का भाव उत्पन्न हो गया था।
पारंपरिक खेती घाटे का सौदा बनने लगा था, लेकिन लीड्स के प्रयास से अब परिदृश्य बदल रहा है। कृषि से जुड़े लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा है और निरंतर प्रगति का पथ प्रशस्त हो रहा है। खेती करते थे तो पुराने तरीके से खेती करते थे और मतलब ज़्यादा फायदा हम लोग को नहीं होता था। साल भर खाने के लिए हो जाता था, लेकिन उस खेती का पैसा से घर अच्छा से बनाएं, कपड़ा अच्छा से खरीदें, चाहे तो गाड़ी खरीदें, इस तरह का नहीं होता था। और हम एकदम होपलेस हो गए थे कि अब खेती बाड़ी अब नहीं करना है। और ये ज़मीन आप देख रहे हैं, ये 3 acres 88 decibels है। और ये मेरा पूरा बंजर था, ऐसे ही चरागाह था। और 5 साल में अभी बहुत परिवर्तन हो गया, मेरा सोच में परिवर्तन, काम में परिवर्तन। और फिर अब देखेंगे इतना सुंदर सुंदर आम फला हुआ है, इधर भी आम फला हुआ है, हर पेड़ में कुछ न कुछ आम फला है। झारखंड एक रत्न गर्भा प्रदेश है, प्राकृतिक संसाधनों की यहाँ कोई कमी नहीं है, रोजगार की यहाँ असीम संभावनाएं हैं। बावजूद इसके वैज्ञानिक, तकनीकी और सृजनात्मक सोच के अभाव में संभावनाएं सच्चाई में तब्दील नहीं हो पा रही थी। लीड्स ने ग्रामीण क्षेत्रों में संभावनाओं को एक नई उड़ान दी है। झारखंड का ये खूंटी क्षेत्र है और इस खूंटी क्षेत्र में बहुत सारा संपत्ति, ऐसे तो झारखंड में, पूरे झारखंड में है आर्थिक संसाधन, जैसे काराई डोरी, आम, इमली, फॉरेस्ट प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है। और इतना धन संपत्ति है, फिर भी हम लोग यहाँ गरीब है, बेरोजगारी हम लोग के पास है। और यहाँ से महिलाएं, जवान लोग भी पलायन कर जाते हैं पैसा कमाने के लिए। वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बंद दिमाग से सोचते हैं, इसलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यहाँ का आर्थिक संसाधन को हम लोग उसका समुचित सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, क्रियाशील सोच नहीं है, जिसके चलते हम लोग बंद दिमाग से सोच रहे हैं और कहीं आगे हम लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन खुशी की बात है कि हम लोग के बीच में, हमारे बीच में लीड संस्था आया और हमारे लोगों को उनका बंद दिमाग को खोलने का काम करें बड़ी मेहनत से। वन प्रदेश होने के कारण राज्य में वनोपज, खासकर लाह से जुड़े उत्पादों में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। लीड्स ने संभावना को अवसर में बदला और पीरका में प्रशिक्षण केंद्र सह लाह प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की, जो निकट भविष्य में सैकड़ों युवाओं के लिए रोजगार सृजन का संवाहक होगा। जबकि यहाँ सस्ता मजदूर है, कच्चा माल है और उससे संबंधित छोटा प्रोसेसिंग यूनिट हम लोग लगा लिए लाह का। अब कच्चा माल यहीं से मिल जाएगा और यहाँ चौरी बनाएंगे, चौरी के बाद बटन लेक बनाएंगे, बटन लेक के बाद सीधे हम लोग चूड़ी पर उतर जाएंगे। तो सस्ता चूड़ी हम लोग बेच सकते हैं। एक्चुअली बीज रोपने का काम लीड्स ने किया, लेकिन उसको पटाने का, घेराबंदी करने का काम यहाँ जैसलफिश किया, झास्कोलेम्स किया, बेजफेड किया, झामकोफेड किया, ट्राईफेड किया, बहुत सारे लोग हम लोग को मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से मदद करते रहते हैं। और अब निकट भविष्य में हम लोग अपना पैरों पर खड़ा हो जाएंगे, स्वावलंबी हो जाएंगे। स्थानीय चुनौतियों को समझते हुए लीड्स ने यहाँ एक आवासीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की, जहाँ लीड्स द्वारा रोजगार सृजन और पलायन पर अंकुश लगाने के लिए कृषि और पशुपालन का आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण क्षेत्र के लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। क्षेत्र के किसान मल्चिंग, जैविक खेती और मिट्टी की जांच की तकनीक को न केवल सीख रहे हैं, बल्कि इसे आगे बढ़कर अपना भी रहे हैं। यह कौशल उपज एवं आमदनी बढ़ाने में काफी सहायक साबित हो रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे किसान आते हैं तो उसको हम लोग सबसे पहले मिट्टी जांच से शुरुआत करते हैं। जैसे मिट्टी, खेती का सबसे पहला आयाम होता है मिट्टी। मिट्टी अगर हम लोग का स्वस्थ रहेगा तो हमारा खेती भी अच्छा से होगा। इसके तहत हम मिट्टी जांच के बारे में बताते हैं, उसके बाद उसके किट के द्वारा मिट्टी जाँच का प्रैक्टिकल कराते हैं, मिट्टी जाँच का सैम्पलिंग
कैसे करके उठाते हैं, उसको कहाँ पे हमको जमा करना है, कैसे कर सकते हैं। अब खुद कुछ मिट्टी का जांच हम लोग खुद करके दिखाते हैं, हम लोग पास किट है तो उसके तहत हम लोग NPK का जांच करके हम लोग उसको बताते हैं उसमें क्या कमी रहता है, उसको हम लोग कैसे करके पूरा कर सकते हैं इसको हम बताते हैं। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने, सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनाने एवं जीवन में समृद्धि लाने के लिए बहुआयामी प्रयास किया जाना जरूरी होता है। हालात में बदलाव के लिए गैर कृषि आजीविकाओं और रोजगार के विविधीकरण की काफी जरूरत है। लिहाजा लीड्स नियमित रूप से क्षेत्र में बड़ी संख्या में उद्यमशीलता और विकास के कार्यक्रमों का संचालन करके ग्रामीणों को प्रशिक्षण देता है। पेरका स्थित प्रशिक्षण केंद्र में रेस परियोजना के माध्यम से LED बल्ब बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण न केवल युवाओं को हुनरमंद और आत्मनिर्भर बना रहा है बल्कि गांव में स्वच्छ ऊर्जा की समझ को भी परिपक्व कर रहा है। मुझे भी लीड्स संस्था की ओर से ट्रेनिंग दिया गया और उस ट्रेनिंग के माध्यम से मुझे ट्रेनर भी बनाया गया और मैं आज बहुत से लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूं, युवाओं को ट्रेनिंग दे चुका हूं। साथ ही साथ जो लीड्स रेस परियोजना का जो उद्देश्य है कि इस स्वच्छ ऊर्जा को जो ग्रामीण है, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो लोग जान पाएँ, समझ पाएँ, और LED बल्ब उसका एक बहुत अच्छा जरिया है कि वो स्वच्छ ऊर्जा को अपना सके। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य है कि यहाँ आसपास के जितने भी ग्रामीण युवा जो हैं वो बेरोजगार थे, वो अब काम के लिए वो इस जगह से खूंटी क्षेत्र से वे पलायन कर दूसरे राज्यों में वे जाते थे और अभी वे आत्मनिर्भर बन चुके हैं। जहां स्थानीय युवा इससे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं वहीं इससे पलायन पर भी अंकुश लगा है। रेस परियोजना के तहत ये हमको ट्रेनिंग मिली और इसमें जो मैंने सीखा हुआ अपने स्तर पर काम किया गांव देहात में जो LED बल्ब बिगड़ जाता है उसका रिपेयरिंग करता हूं और यहां आके असेंबलिंग भी करता हूं और उसको जाके अपने स्तर पर बेचता हूँ बाजारों में, अपने गांवों में और आसपास के सभी एरियाओं क्षेत्रों में बेचता हूँ। इससे मेरी रोज़मर्रा की ज़रूरत की पूर्ति होती है और लेट संस्था के तरफ से हमें मदद भी मिली और जो असेंबली जो रिपेयरिंग में काम करता हूँ उससे मेरी ज़रूरत की पूर्ति हो जाती है, जैसे कि महीना में 10,000-15,000 वैसा अर्जित भी करता हूँ। युवाओं को संस्था द्वारा प्रदत्त सैद्धांतिक और प्रायोगिक प्रशिक्षण उनमें आत्मविश्वास और उद्यमशीलता पैदा करता है। कई युवा इलेक्ट्रीशियन और प्लंबिंग का भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ लीड्स के द्वारा ट्रेनिंग दिया जाता है, सालों भर यहाँ ट्रेनिंग चलता है इलेक्ट्रिक का, प्लंबिंग का और सोलर के तहत हम लोग यहाँ सब सिखाया जाता है। यहाँ थ्योरी 5 दिन का कराया जाता है, फिर असेंबली यूनिट में प्रैक्टिकल कराया जाता है, जब तक सीख ना जाए तब तक कराया जाता है। गांव में बस ऐसे ही रहता था तो एक दिन अनीश भैया हमारे गांव में गए, फिर कुछ ट्रेनिंग के बारे में हम लोगों को बताया, फिर हमने सोचा चलो ट्रेनिंग मिल रहा है तो कुछ करते हैं, तो हम लोग यहाँ से अच्छी तरह प्रशिक्षण लेकर के अपने गांव देहात में जाकर सोलर प्लेट चापाकल का मरम्मत करेंगे और अपना आजीविका चलाएं। हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाना आज के समय की मांग है। रेस परियोजना के तहत लीड्स द्वारा सोलर पैनल स्थापित किया गया है जो पर्यावरण की स्वच्छता और बिजली बिल की बचत का अच्छा उदाहरण है। इस किफायती ऊर्जा स्रोत के फायदे को समझ के क्षेत्रीय लोग काफी उत्साहित हैं और इसे अपने खेतों एवं आवासों में लगवाने के लिए आगे भी आ रहे हैं। ये हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर जो पेरका में है और इसमें हम लोग का 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगा हुआ है जिसमें 15 पीस यहाँ सोलर प्लेट लगा है। अभी इसी से हम लोग का ये ट्रेनिंग सेंटर में लाइट
जलती है और पंखा चलता है, फ्रिज चल रहा है, पानी मोटर भी चल रहा है। और इससे क्या होता है कि हम लोग का एक प्रोजेक्ट चलता है रेस परियोजना, उसके तहत इस प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए हम लोग का इस लगाया गया है। और इससे फायदा ये होता है कि हम लोग का बिजली का जो बिल आता है उसमें बचत होता है, साथ साथ में पर्यावरण को भी सुरक्षा मिलता है। और साथ में हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर में बाहर से ट्रेनिंग करने जो भी आते हैं उसको हम लोग इसको दिखाते हैं और प्रचार करते हैं कि भाई आप लोग भी गाँव में ये चीज़ लगाइए और पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान कीजिए। महिलाएं आज हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में सक्षम है। ग्रामीण कार्यबल में महिलाओं की अच्छी हिस्सेदारी है। अधिकांश ग्रामीण महिलाएं कृषि और पशुपालन से जुड़ी हैं, जिस कारण आर्थिक आत्मनिर्भरता या हुनर से जुड़े कार्यों में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन बदलते वक्त के साथ ग्रामीण महिलाएं रोजगार के वैकल्पिक स्रोतों को तलाश रही हैं। इस तलाश को पूरा कर रहा है लीड्स का पेरका स्थित प्रशिक्षण केंद्र। इस केंद्र में काफी संख्या में महिलाएं सिलाई का प्रशिक्षण लेकर रोजगार प्राप्त कर रही हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। और यहाँ पर मैं महिला लोग को सिलाई सिखा रही हूँ और मैं भी RCT से सिलाई सीखी हुई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि महिला और जो दीदी लोग है अपना जो प्रखंड में है सिलाई सीखे और अपना आत्मनिर्भर बने। महिला लोग सिलाई यहाँ से सीख के जाए और अपना रोजगार खुद करे, अपना दुकान चलाए, जिससे कि वो अपने आप को अपने पैर पर खड़ा हो सके। ऐसे जगह दुकान खोले जहाँ भीड़ भाड़ का इलाका हो, जहाँ थोड़ा शहरी क्षेत्र हो, जिससे उन लोग का रोजगार अच्छे से चल सके। ये महिलाएं ऊर्जा और नए विचारों से ओतप्रोत हैं। वे भविष्य के प्रति आशान्वित हैं और अपने कौशल के माध्यम से गरिमामयी जिंदगी जीने की इच्छा को हकीकत में बदलने की कोशिश में लगी हैं। अभी ब्लाउज कटिंग सीख रहे हैं, थ्योरी सीखे, उसके बाद फिर पेपर में कटिंग किए, तब पेपर को सिलाई किए, अभी कपड़ा में कटिंग करेंगे और सीखेंगे, फिर सूट सिलने सीखेंगे, फिर हम लोग अपना खुद का दुकान खोलेंगे अपना गांव में, तो डिजाइन का ब्लाउज सब सीखेंगे, तो फिर हम लोग बनाएंगे और घर परिवार चलाएंगे। लंबे समय तक ग्रामीण महिलाएं कौशल विकास के विधिवत प्रशिक्षण से वंचित रहीं, लेकिन महिलाओं की भागीदारी वाली हुनरों और कौशलों को अब खूंटी के इस प्रशिक्षण केंद्र में प्रोत्साहन मिल रहा है। क्षेत्र की महिलाएं सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े रोजगार के लिए लीड्स के माध्यम से यहां प्रशिक्षण प्राप्त करके स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त कर रही है। मैंने हिमाचल से ग्रेजुएशन की है और मैंने GSS के थ्रू ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग की है और जितने भी यहाँ सेशन होते हैं मैं उन्हें ब्यूटिशियन सिखाती हूँ। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है हमारा मोटिव होता है कि उनको ब्यूटिशियन सिखाएं ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए, उन्हें किसी की ज़रूरत ना पड़े, ताकि वो अपने सेल्फ डिपेंड हो सके, ताकि आगे वो अपना बिजनेस करेगी तो अपने लिए अपने परिवार के लिए कुछ तो पैसे कमाएगी। तो हमारा यही है कि हम इन्हें सिखा के इन्हें कुछ अच्छा बनाएं। स्वयं सहायता समूह का निर्माण और संचालन ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की जरूरत और आत्मनिर्भरता की कुंजी है। क्षेत्र की महिलाएं लाह की चूड़ी बनाने का प्रशिक्षण ले रही हैं और यह उनके रोजगार का एक सशक्त जरिया बन गया है। हम लोग यहाँ पर SAG ग्रुप मिलके यहाँ पर हम लोग लाह का चूड़ी बनाने का काम करते हैं। जो महिलाएं SAG ग्रुप से जुड़ी हुई हैं वे अपने रोजगार के लिए चूड़ी हम लोग बनाते हैं और नज़दीक के मार्केट में उनका सेल करते हैं और जहाँ भी सम्मेलन वगैरह होता है वहाँ हम लोग ले जाते हैं और इनका सेल करते हैं, जिसमें गरम लाह का लाह से और ठंडा लाह से अलग अलग तरह का डिजाइन का चूड़ी हम लोग बना कर उसका प्रोसेसिंग करते हैं और सेल करते हैं।
महिला समूह के गठन से महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक स्वतंत्रता के एक नए युग की शुरुआत हुई है। खूंटी के बेजगीमा में 10 महिला मंडल क्रियाशील है। ये समुदाय आधारित संगठन महिलाओं को अपनी सीमित और पारंपरिक भूमिका से अलग रास्ते की तरफ देखने और सामाजिक आर्थिक तौर पर सुरक्षित बनाने की दिशा में सशक्त बना रहे हैं। अभी यहाँ पर 10 महिला मंडल के सदस्य उपस्थित हैं और यहाँ पर हम लोग एक शुरू से हम लोग को लीड संस्था आगे की ओर बढ़ाते गई है। लीड संस्था हमें बहुत मदद की है सब प्रकार से, और लीड संस्था हमें आगे की ओर ले जा रही है। जैसे ग्राम सभा हुआ, ग्राम सभा में हम लोग सब महिला भागीदारी लेते हैं और जो समस्याएं होती है गांव घर में उसको हम लोग हर प्रकार से निपटने का प्रयास करते हैं। अभी हम लोग यहीं पर जो भी केस आता है उसको गाँव में हम लोग निपट रहे हैं ग्राम सभा के द्वारा, और महिला मंडल साथ मिलकर हम लोग एक राय में होकर सब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बेजगीमा गांव में इमली और रागी के प्रसंस्करण की इकाई का स्थापित होना यहां की महिलाओं के लिए रोजगार का सशक्त साधन बन रहा है। इससे स्थानीय महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। इन्हें इस बात का गर्व है कि बड़े बड़े उत्पाद मेलों में उनके मार्फत राज्य की एक अलग शान बनी है। हम लोग का दो गो उत्पादक है, एक ठो गुलाब उत्पादक, दूसरा जो उंगुल उत्पादक समूह है। उसमें से हम लोग बहुत सारे महिलाएं इमली का कारोबार करते हैं। जो पहले कारोबार होता था उस समय हम लोग का कुछ फायदा नहीं होता था, जो हमारी यहाँ फायदा हुई तो हम लोग शुरू कर दिए। सबसे पहले हम लोग को अगुवाई में लीड संस्था के दादा लोग आए और वही लोग हम लोग को सारी रास्ता दिखाया, और सारे रास्ता दिखा कर हम लोग इस तरह सर्वे किए इमली का, और सर्वे करने के बाद हम लोग खरीदना शुरू किए और केक बनाना भी शुरू किए। आधा इमली एक सीजन में हम लोग को निकाल दिए और अभी सीजन दूसरा सीजन में ये वाला दूसरा इमली निकाल रहे हैं। हाथ कुटाई हम लोग को इमली का हाथ कुटाई से उतना नहीं होता था, तो लिट्स के दादा लोग हम लोग को मशीन लेके लाए और मशीन का कुटाई करने हम लोग बाद में शुरू किए, और ज़्यादा कुटाई होने लगा तो आमदनी भी बढ़ने लगा, और इसी तरह केक बनाए और इसको रांची दिल्ली तक हम लोग इसको बेचने ले गए। उद्यमिता, कौशल विकास और रोजगार के साथ विलुप्त होते आदिवासी संस्कृति, उपादान भोजन, वाद्य यंत्र, खान पान, परंपरा तथा रीति रिवाजों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखने के लिए लीड संस्था द्वारा पेरका में बिरसा मुंडा संग्रहालय की स्थापना की गई है। आदिवासी संस्कृति और देशज उत्पादन में रुचि रखने वाले लोगों के लिए यह संग्रहालय ज्ञान का भंडार है। हमारा जो आदिवासी संस्कृति है वो धीरे धीरे से लुप्त होता जा रहा है, जैसे कि हमारा रहन सहन, हमारा खाना पीना, हमारा पहनावा, हमारी भाषा और जो रीति रिवाज हमारे हैं, गीत संगीत, ढोल नगाड़ा, ये सब धीरे धीरे से लुप्त होता जा रहा है। तो उसको हम लोग आने वाले पीढ़ी में किस तरह से बरकरार रखेंगे उस पर हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों को हम लोग संग्रहित करके रखे हैं, और हम लोग जो हम स्कूल में और आंगनबाड़ी में, ग्राम सभा में SHG के साथ और किशोर किशोरियों के साथ जो काम करते हैं, तो उनको हम लोग बीच बीच में इस म्यूजियम में लाते हैं और उनको इन सब सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ पर पहले के जो हम लोग का आदिवासी कल्चर है वो धीरे धीरे से लुप्त होता जा रहा है, तो हम लोग जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे सामग्री रखे हुए हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन हैं, बाँस के सामान हैं, वाद्य यंत्र हैं, इधर साग रखे हैं और जड़ी बूटी दवा रखे हुए हैं, तो ये सभी चीज़ लुप्त के कगार में है, जो कि हम लोग को बच्चों को जानकारी देने का ज़रूरत है, आने वाले नवयुवकों को जानकारी देने का ज़रूरत है, और उन्हीं को हम लोग यहाँ पर सभी को लाते हैं और इसके बारे में जानकारी देते हैं, और वे लोग काफ़ी इसे देख के सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने में अमल करने का प्रयास भी कर रहे हैं।
ये जो हमारा परियोजना चल रहा है ये झारखंड के 3 जिलों में चल रहा है, सिमडेगा, रामगढ़ और खूंटी। आज हम लोग यहाँ खूंटी के पेरका सेंटर में हैं, जो लीड्स का प्रशिक्षण केंद्र है। यहाँ पे अलग अलग जगहों से जो रोजगार के लिए कौशल विकास का प्रशिक्षण होता है उसके तहत हम लोग प्रशिक्षण का कार्यक्रम कर रहे हैं। जो लोग गांव में रहते हैं, जो ड्रॉप आउट हैं, जो अपने शिक्षा को छोड़ चुके हैं और वो कुछ करना चाहते हैं, तो उनका हम लोग कौशल विकास करके उनको स्वरोजगार से जोड़ने का कोशिश करते हैं। गांव में ग्राम सभा के माध्यम से उन लोगों का चयन किया जाता है। यहां पर जो भी तीन ट्रेड चल रहा है, जिसमें ब्यूटिशियन का ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड है और टेलरिंग का ट्रेड है, ये अभी ये मुरहू ब्लॉक के आसपास के गाँव की लड़कियाँ हैं, महिलाएँ हैं, जो कि स्वरोजगार में अपना रुचि दिखा रही हैं और इससे यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद स्वरोजगार में कुछ करना चाहती हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, लेकिन बाजार में संचालित होने वाले अच्छे कौशल का यहाँ सर्वथा अभाव रहा है। हर वर्ष श्रम शक्ति में प्रवेश करने वाले 1,20,00,000 लोगों में से केवल 2% ही ऐसे होते हैं जिन्हें औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है। लीड संस्था ने खूंटी के सुदूर गांव में कृषि, कौशल विकास और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की जो पहल की है, ग्रामीण भारत के मानव पूंजी के विशाल भंडार को जो सकारात्मक गति दी है, साथ ही सामाजिक समावेशन एवं आर्थिक उन्नयन पर जिस तरह का जोर दिया है, इससे राज्य में रोजगार और उद्यमिता का परिदृश्य बदल रहा है। लीड्स का यह प्रयास राज्य के सुदूर गांव में रोजगार, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास तथा व्यक्तिगत खुशहाली का संवाहक बना है। तो जैसा कि आपने देखा कि लीड्स ट्रेनिंग सेंटर विकास के नए आयामों को गढ़ रहा है, फिर चाहे वो पलायन रोकने की बात हो, बेरोजगारी दूर करने की बात हो या फिर महिला सशक्तिकरण की बात हो। और इतना ही नहीं, रोजगार के नए नए अवसर यहाँ इसीलिए प्राप्त हुए हैं क्योंकि यहाँ बताया जाता है कि उन्नत कृषि कैसे की जाती है, खुद को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाता है, फिर चाहे वो इलेक्ट्रिशियन का काम हो, वेंडर का काम हो या ब्यूटिशियन का काम हो। और इसी तरीके से अगर हम छोटे छोटे रूप में एकजुट होकर कार्य करेंगे ना, तो हमारा समाज भी उन्नत होगा और हम एक कुशल मानव संसाधन के रूप में उभर कर आएंगे। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार।